माननीय मंत्री जी अपनी पूजा करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी लोकार्पण के आए थे, तीनों की तीनों योजनाओं का लोकार्पण किया है, पूजा अर्चना हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हेडवर्क को जो नई दिशा दी है, उनसे निवेदन है कि आके माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। यह सभी अधिकारीगण क्रमश ये हमारे लिए गर्व का गौरव का विषय है और अपने ऊर्जावान है, सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं और स्नेह देते हैं निरंतर अपने प्रयास से। विभाग जो विभाग में जड़ता थी उसे यहाँ तक लाने में आपने जो योगदान। भारत की संस्कृति में, भारत के वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में और हमारे यहाँ जल को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है और सृष्टि की रचना में सबसे पहला तत्व जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ उसमें जल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो आज के इस लोकार्पण के कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियंता पश्चिम स्तर एक श्री ए के सिंह जी मुख्य आते हैं, उनको कोई असुविधा ना होने पाए इसके लिए प्रशिक्षण अकादमी भी अच्छी होनी चाहिए। इन तीनों कामों को लेकर के जो साथ के अधिकारियों ने मिलकर के काम किया है, आज उसके लोकार्पण के अवसर पर आया हूँ। मैं अपने चाहता हूँ आपने अच्छा काम किया है। इसके पहले भी मैं आया था तो मैंने प्रशिक्षण अकादमी को देखा था। हॉस्टल का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हुआ, जेल के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हुआ, जो ट्रेनिंग सेंटर हमारा था उसमें 16 कमरे और 2 हॉल बनाए गए, दीवार का निर्माण किया गया है। जितनी भी हमारी ये संस्था है बहुत महत्वपूर्ण है, वो कला हमारे लिए, उसमें 7.5 करोड़ के लगभग निर्माण के कार्य किए गए, उसी के लोकार्पण के लिए मैं आया था, इसको लोकार्पण किया गया। अभी आपने कहा कि गांव में नहरों को जोड़ा जाएगा, अभी कुछ जिले हैं आपने बताया बधाई, तो आने वाले समय में देखा जाए कि गांव में इस तरह से किसान खुशहाली महसूस कर रहा है, आप भी देखने कहा, तो आने वाले समय में सब जगह पर नहरें होंगी। 100% सब जगह नहरें होंगी, सभी परियोजनाओं को हम पूरे करेंगे और हर खेत तक पानी पहुंचाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश में उसने रिकॉर्ड कायम किया है, 4 साल 4.5 साल के अंतर्गत 22 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करके भारत का सबसे ज़्यादा सिंचन क्षमता बढ़ाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। निश्चित रूप से आगे जो भी परियोजना है उनको भी पूर्ण करेंगे, किसानों को हर तरीके की सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे, विभिन्न राज्यों को भी हम पानी देने का काम करते हैं। आज हम ओखला में खड़े हैं, ओखला से जो नहर बारी जाती है उसी के माध्यम से हम दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ऐसे 4 राज्यों में इस काम के माध्यम से पानी देता है। उत्तराखंड के माध्यम से हम उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश को जल देते हैं, तो विभिन्न राज्यों को भी हम जल देने का काम करते हैं और अपने उत्तर प्रदेश को भी जल देने का काम करते हैं। बहुत बड़ी नहर प्रणाली लगभग 74,000 किलोमीटर नहर प्रणाली हमारे उत्तर प्रदेश में है, 34,401 हमारे ट्यूबवेल है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जिनके माध्यम से हम सिंचाई का काम करते हैं। बहुत सारी बंदियाँ हैं लगभग 280, उनके माध्यम से हम खेतों तक पानी पहुँचाते हैं। तेज गति से हम लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने सिंचाई विभाग के विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए उनका बहुत आशीर्वाद रहा, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने पूर्ण किया है। भारत सरकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा, पुरानी लंबित परियोजनाओं को हम लोगों ने पूर्ण किया है।
अर्जुन सहायक परियोजना जो बरसों से लंबित थी बुंदेलखंड को उसको पूरा किया है, बाणसागर को पूरा किया है और उसके साथ साथ सरयू नहर परियोजना जो 71-72 से लेकर के आज तक पूर्ण नहीं हो पाई थी उसको पूर्ण करके 9 जिलों में गोंडा बलरामपुर बहराइच सरावस्ती संतकबीरनगर बस्ती सिद्धांतनगर गोरखपुर महाराजगंज 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करके 30.5 लाख किसानों को लाभान्वित करने की परियोजना को पूर्ण किया है। बंडई को पूर्ण किया है, रशिन को पूरा किया है, हम लोगों ने पहाड़ी को पूरा किया, जमवार को पूरा किया, बहुत सारी परियोजनाओं को हम लोगों ने पूर्ण किया है। अन्य और भी जितनी परियोजनाएं हैं उनको जल्दी से पूरा करेंगे और किसानों की आय दोगुनी हो इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा बहुत बड़ा योगदान किया जाएगा और प्रधानमंत्री जी का